हेलो गाइज, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग चार्ट को कैसे रीड करते हैं, लाइव मार्केट में क्या साइकोलॉजी होना चाहिए चार्ट को रीड करते समय, ये सब दोस्तों हम लोग वीडियो में सीखेंगे। चार्ट को मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया रीड करने के लिए। दोस्तों मेरा जो चार्ट रीड करने का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो किस तरीके से दोस्तों आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, तो सब कुछ वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे। अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट को रीड करना सीखते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट में चार्ट ओपन किया हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो कैंडल पहली बनी हुई है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये कैंडल आप देख सकते हैं कि ये कैंडल नियर अबाउट कम से कम ये लगभग 200 पॉइंट का कैंडल बना हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड बना रहा है, किस तरीके से मार्केट में बायर और सेलर की जो फाइट है किस तरीके से हो रही है, आपको पहले ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। मार्केट नीचे जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा यहाँ पे फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो सेलर है मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, फिर बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, यानी कि बायर जो है ज़्यादा स्ट्रांग है सेलर से, ये लोग मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जब बायर ऊपर लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल देखना है, क्योंकि मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, नीचे जाने के बाद फिर मार्केट उतना ही रिकवर कर लिया है। तो इस तरीके से अगर मार्केट चलेगा तो आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है, आपको केवल मार्केट को देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बायर जो है स्ट्रांग है और सेलर भी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो मार्केट को जितना नीचे ले जा रहे हैं सेलर, ठीक है, उतना ही मार्केट को ऊपर बायर लेकर जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट के चलने के तरीकों को समझिए, ठीक है, और मार्केट का जो बिहेवियर है इसको समझिए। आपको जब ट्रेड बनेगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में आपको ट्रेड कब करना चाहिए, यह सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कोई किताबी भाषा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो सीखा हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट में बायर एक्टिव थे, ठीक है, फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, फिर बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ऐसे में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आपके स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो आपको यहाँ पे इंतजार करना, वेट करना, ठीक है, पेशेंस करेंगे तभी आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे बढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया हो गया। तो मार्केट जब यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, ठीक है, एक सपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट फिर ऊपर गया, यानी कि मार्केट जहाँ तक गया था, ठीक है, फिर नीचे गिरा उतना ही फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर आप देख सकते हैं फिर मार्केट नीचे आया। ऐसे में अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे दोस्तों तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी मार्केट से आप दूर रहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, रेड के बाद फिर ग्रीन बनाया, फिर मार्केट में रेड कैंडल बनी। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस लेवल पे आकर फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सेलर है यहाँ पे थोड़ा वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल बना हुआ है, उसके बाद में एक सपोर्ट जोन पे हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन बाई यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंतजार करना है। ट्रेड आपका कब बनेगा, कैसे बनेगा, मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और भी हैमर बना हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट केवल एंट्री ले रहा है, एंट्री के बाद फिर स्टॉप लॉस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट में आप देख सकते हैं फिर से ग्रीन, ठीक है, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल आ गया, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। इस रेंज में मार्केट जब भी रहेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक हमारा रेसिस्टेंस जोन है, तो इस रेसिस्टेंस के पास ये मार्केट जा सकता है। ठीक है, अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगे होंगे दोस्तों, यहाँ पे भी लगे होंगे और यहाँ पे भी लगे होंगे। मार्केट में आप देख सकते हैं ये एरिया है स्टॉप लॉस का। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है इस साइड में, ठीक है, इस साइड मार्केट आता है, नीचे अगर गिरता है तो यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस लगे हैं कटेंगे और मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा। ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट। और मार्केट अगर ऊपर जाता है दोस्तों, तो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे दोस्तों, ठीक है, ये मार्केट ऊपर की साइड निकल रहा है, तो जब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट ये रेसिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये रेसिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में बढ़िया आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सपोर्ट एक रेसिस्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट इसी जगह पे आके सपोर्ट लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करके नीचे की साइड में मार्केट गया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दिया है और नीचे की साइड में दोस्तों मैं एक यहाँ पे सपोर्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक रेसिस्टेंस बना दिया और मैं यहाँ पे नीचे की साइड में एक सपोर्ट बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया है, अब हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन बना लिया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया है, हमारा ये लाइन जो है रेसिस्टेंस हो गया है और ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जब सेलर के स्टॉप लॉस कटते हैं तो मार्केट में डबल फोर्स आता है, तो मार्केट और भी तेजी से ऊपर की साइड में जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अगर नीचे की साइड में निकलता है मार्केट यहाँ से तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेसिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा जरूर, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे मार्केट कहाँ तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की साइड में निकल रहा है, यानी कि स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है, ये प्राइस एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे की साइड में ब्रेक होगा तब मार्केट नीचे की साइड में आएगा, नहीं तो मार्केट ऊपर की साइड में इस तरीके से निकल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रेसिस्टेंस एरिया के पास मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है इस रेसिस्टेंस एरिया को, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे स्टॉप लॉसेज लगे होंगे सभी के स्टॉप लॉस मार्केट खा चुका है। अभी मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कर सकता है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस रेसिस्टेंस एरिया के पास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो मार्केट अगर इसको ऊपर ब्रेक करके चला जाता है तो आपको एंट्री नहीं बनाना, मार्केट फिर से नीचे आएगा और जब इस एरिया को सपोर्ट लेगा उसके बाद ऊपर निकलेगा, तब आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, उसके पहले आपको यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन ले रखा है तो आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे वेट करना है, मार्केट अगर ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट और भी बनेगा, और मार्केट नीचे की साइड में जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट छोटा मोटा लेके बुक करके निकल जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ मार्केट को आगे बढ़ा के, मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। मार्केट में जब यहाँ पे सेलर एक्टिव है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट को ये लोग नीचे की साइड में लेकर आए हैं। ठीक है, मार्केट को इसी जोन के ऊपर अगर ये मार्केट रहता, ठीक है, इसी जोन के ऊपर अगर मार्केट रहता तो यहाँ पे फिर से बाइंग आती है और मार्केट ऊपर की साइड में निकल सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये लोग इस स्विंग को ब्रेक कर दिए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो गिरावट हुई है दोस्तों, इस गिरावट में ये स्विंग ब्रेक हो चुका है और ये भी स्विंग नीचे की साइड में ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चार्ट को पूरा ओपन कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, आप देख सकते हो मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे ऊपर करके मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाती है, साइकोलॉजी हमारी क्या होनी चाहिए कि मार्केट में यहाँ पे बायर भी हैं और मार्केट में सेलर भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर भी ज़्यादा है और सेलर भी ज़्यादा है, तो दोनों की जब फाइट होगी उसके पहले इसके बीच में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुका है, ऐसे में आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला हुआ है। मार्केट में यहाँ पे बायर और सेलर जब यहाँ पे स्ट्रांग है दोस्तों, दोनों यहाँ पे दोनों की फाइट चल रही है। जब मार्केट किसी भी एरिया में निकलेगा, यानी कि नीचे की साइड में अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो अगर मार्केट नीचे की साइड निकलेगा दोस्तों तो आपको यहाँ तक का टारगेट बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेंगे तो मार्केट बहुत ही यहाँ पे तेजी से नीचे की साइड में गिरेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे होंगे और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलता है दोस्तों, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी और ये हमारा जो रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ तक का मार्केट जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आप अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, अगर आप एंट्री नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री जाके नहीं लेना है। मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है तो आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री जाके नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट को नीचे की साइड में आने दो, क्योंकि मार्केट ऊपर निकलता है तो नीचे की साइड में आता है। ठीक है, कोई हैमर कैंडल आपको देखने को मिल जाती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक हैमर कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, अगर जल्दबाजी में दोस्तों आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पे हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, ये कम नहीं आया है, बहुत ही यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों। आप चार्ट में देखेंगे, ठीक है, स्पॉट चार्ट में, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत ही यहाँ पे आसानी से हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस हैमर कैंडल पे बाई कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस इस हैमर के नीचे रख सकते हो। आप देख सकते हो कि एक रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे है तो मार्केट को यहाँ पे जाने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री लगा सकते हो। ठीक है, अपना एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। आपके जो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेना है, मार्केट से बाहर हो जाना है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ तक का बुक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट अगर किसी ट्रायंगल पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न अगर से मार्केट निकल जाता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर की साइड में निकल रहा है, जल्दबाजी में एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, उसके बाद एंट्री लो, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को एंट्री लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेसिस्टेंस एरिया है तो मार्केट यहाँ पे जाके टाइम बिता रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है, मार्केट नीचे की साइड में गिर जाता है, यानी कि जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक के मार्केट गिरावट हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे गिरा के लेकर आए हैं। ठीक है, अभी मार्केट में आप देख सकते हो कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट में फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि जो यहाँ पे सेलिंग किए थे और भी यहाँ पे सेलिंग किए, यानी सेलर और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में गिर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अब स्टॉप लॉस लग चुके हैं और ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड में अगर नहीं निकल रहा है, अगर मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा दोस्तों, जब भी इनके स्टॉप लॉस कटेंगे दोस्तों तो काफी ज्यादा तेजी से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है। मार्केट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर एक्टिव थे, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा सेलर एक्टिव थे, फिर यहाँ पे भी सेलर एक्टिव हो चुके हैं, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रेंड भी बन चुका है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जा चुका है और यहाँ पे जब भी मार्केट गिरेगा दोस्तों तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जब लगे हैं तो तेज़ी से गिरेगा और आपके यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाना होता, ठीक है, तो इतना मार्केट में गिरावट होती ही नहीं, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता, ठीक है, अगर इस एंगल पैटर्न को मार्केट अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकला हुआ है तो ऐसे में दोस्तों ये ऊपर की साइड में ही निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये इतना नीचे गिर के आता ही नहीं। आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरा भी है तो ये अपने हाई को भी ब्रेक नहीं किया है, मार्केट नीचे की साइड में यानी कि डाउन ट्रेंड में प्रोजेक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे की साइड में गिर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, एक यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल मिल रहा है तो आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ना कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे, जो स्टॉप लॉस यहाँ लगे पड़े थे, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे पड़े थे, इनके स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस इनके करना शुरू हुए हैं, आप देख सकते हैं वन वे मूव यहाँ पे देखने को मिला हुआ। मार्केट कितना तेजी से मार्केट नीचे की साइड में गिरा हुआ है और मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया है कि मार्केट ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रुकेगा जरूर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे रुका, उसके बाद में एक पुल बैक लिया, फिर से मार्केट में गिरावट हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब भी एसएल करते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पे एसएल कटे थे तो मार्केट तेजी से ऊपर गया और जब यहाँ के जब एसएल कटे दोस्तों तो मार्केट यहाँ पे तेजी से आया। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरीके से मार्केट में जब सेल करते हैं सेलर के, ठीक है, तो मार्केट एक वन वे मूव देता है। ठीक है, मार्केट ऊपर की साइड जाए या तो नीचे की साइड में जाएगा, तो तभी आपको यहाँ पे बड़े टारगेट मिलेंगे, ठीक है, तभी आपको बड़े पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों आप कंटिन्यू चार्ट को रीड करिए, तभी आपको चार्ट को समझ में आएगा, ठीक है, चार्ट को समझ में तभी आएगा जब आप कंटिन्यू चार्ट को रीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक चार्ट और भी दिखा देता हूं, उसमें आपको किस तरीके से आपको रीड करना। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि 31 मार्च का ये चार्ट है, ठीक है, तो 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ बैंक निफ्टी का चार्ट है ये दोस्तों। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मार्केट 21 मार्च को यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है, मार्केट नीचे की साइड में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, आप देख सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यानी सपोर्ट यहाँ पे भी लेता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि मार्केट नीचे भी आता है, ऊपर जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर भी एक्टिव है और बायर भी एक्टिव है। तो इस तरीके से अगर मार्केट करता है ये, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, आपको इस तरीके का ट्रेड में अवॉइड करना है, ठीक है, अगर आपको सेफ ट्रेड करना है दोस्तों तो इस तरीके का आपको मार्केट को अवॉइड करना है, आपको वेट करना है, ठीक है, आपको ट्रेड मिलेगा 12-1 बजे के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ इस रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को ऊपर निकलने दो, आपको एंट्री नहीं लेना। अगर आप एंट्री ले लिए हैं, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने एंट्री नहीं लिया तो आपको यहाँ पे सिंपली वेट करना। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहेंगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े बनेंगे, अगर हिट हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ट्रेड बनता है तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है और आप यहाँ पे इंतजार करना, ठीक है, वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अपने हाई को ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे इंतजार करना है, अपने ये हाई को ब्रेक कर दिया है तो आपको यहाँ पे खुद की एंट्री नहीं लेना है। आप यहाँ पे इंतजार करिए, जब मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जब जाएगा तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। आपको कोई हैमर कैंडल मिल जाए या तो आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं इसको लगा देता हूँ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आप सिंपली देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मार्केट ऊपर की साइड में गया, ठीक है, फिर नीचे गिरा, फिर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए जाने दो, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, इंतजार करना है, वेट करना है, ठीक है, अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट कहीं भी यानी कि नीचे की साइड नहीं जा रहा है, पुल बैक नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया है, तो आपको यहाँ पे इंतजार करना है। जब भी मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, मूविंग एवरेज के पास मार्केट आएगा, कोई हैमर कैंडल बनेगी या तो कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, तभी आपको यहाँ पे बाइंग करना है। नहीं तो मार्केट ये नीचे की साइड में गिरे, ठीक है, इस एरिया के पास में आए तभी आपको यहाँ पे बाइंग करना है, यानी कि मूविंग एवरेज के आसपास आपको बाइंग करना है। ऊपर अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्कियर ट्रेड ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है तत्काल में। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अगर अग्रेसिव होकर बाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको यहाँ पे वेट करना है, मार्केट को नीचे आने दें, ठीक है, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दें, यानी कि प्रीमियम को थोड़ा कम होने दें। आप सिंपली देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया, ठीक है, तो आपको अभी और इंतजार करना है। आप देख सकते हैं कि मार्केट और भी नीचे आया, ठीक है। ये मूविंग एवरेज के पास मार्केट जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, यानी कोई हैमर कैंडल अगर बनाता है तभी आपको एंट्री लेना है। आपके स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा और चार्ट को बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है, सिंपली आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, या तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। या इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है दोस्तों तो सिंपली आप यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने नहीं लेना, आप इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट और बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक। दोस्तों इस मूविंग एवरेज के पास आपको यहाँ पे एंट्री बना लेना है। मूविंग एवरेज के नीचे जैसे कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं कितना करेक्शन हुआ है मार्केट में, आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे तुरंत हिट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल रहा, तो ये मार्केट स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और मैं चार्ट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ये नीचे की साइड में गिर रहा है, ठीक है, लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे जैसे जाएगा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा चार्ट और बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये शूटिंग स्टार बनाया है लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया, फिर उसके बाद मार्केट कितना तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से बढ़ा होगा, क्योंकि ये कम टाइम में इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड में निकल जाता है तो आपको यहाँ पे आप ऊपर जाके तत्काल एंट्री नहीं लेना। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाते हैं तब भी आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अगर कभी भी मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेना, कभी भी आप वहाँ पे वेट करिए। आपको मार्केट मौका देगा, नीचे की साइड में आएगा, ठीक है, तब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, नहीं तो ऐसे में आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा आपको यहाँ पे हिट होते देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चार्ट थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री बनाया तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं और भी यहाँ पे टारगेट के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा और चार्ट बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले रेसिस्टेंस का काम किया था, मार्केट नीचे की साइड में गया। ठीक है, फिर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना। मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में आप जब भी एंट्री लेंगे और आपको कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मार्केट नीचे की साइड में आता है तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया दोस्तों आप सपोर्ट का काम करेगा, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। अपने स्टॉप लॉस दोस्तों आपको इसके नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के नीचे का कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना है, यहाँ पे निकल जाना है। ठीक है, और मैं चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों एक हैमर कैंडल भी बन चुका है, यानी कि सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ चार्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे फिर कैंडल हमें देखने को मिला, यानी कि जितनी कैंडल यहाँ पे बनी सभी के यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को कवर कर लिया, मार्केट फिर से ऊपर की साइड में निकल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट जब भी नीचे की साइड में आता है तभी आपको एंट्री लेना है, नहीं तो अगर आप ऊपर की साइड में एंट्री ले लेंगे दोस्तों तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं दोस्तों ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जितना प्रीमियम इस कैंडल में बढ़े होंगे और इस कैंडल में बढ़े होंगे और इस कैंडल में बढ़े होंगे, उतना प्रीमियम इस कैंडल में नहीं बढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों इस कैंडल में प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। तो आप सिंपली देख सकते हैं आपको कितना बढ़िया यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाए हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना है। और भी आप देख सकते हैं मार्केट फिर मार्केट नीचे की साइड में आया। ठीक है, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट, ये स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर इस स्विंग को भी नहीं ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपने एंट्री नहीं बनाया तो फिर से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस स्विंग के नीचे अब आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं चार्ट को थोड़ा ओपन करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की साइड में कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट ऊपर की साइड में निकल रहा और ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया 20 मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके पास से ही मार्केट थोड़ा इसके पास में आता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट कैसे बिहेव करता है। मार्केट में साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है, मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है और इसी तरीके से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस तरीके का मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर, वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है।